सो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर टेक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपको दोस्त आपका होस्ट अतुल कुमार। और जैसा कि थंबनेल पे आप लोगों ने देखा है कि आज का वीडियो BSNL से ही जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में मैं BSNL से सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। मैं पिछले एक महीने से अपनी फैमिली को मैंने दिला दिया है BSNL का नंबर, और एक महीने हो गए हैं लगभग उसको। एक महीने का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा, और आने वाले टाइम में जो इसका क्या डेवलपमेंट होने वाला है, अपग्रेड होने वाला है BSNL का नेटवर्क सिस्टम, सारी चीज़ें 3G 4G 5G जो भी हो, तो इस चीज़ को लेकर के सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और पिछले अभी 2-4 दिनों से मैंने अपना पर्सनल नंबर भी जो है BSNL में पोर्ट करा दिया है, और वो 5G रेडी सिम मिली है मेरे को। पहले येलो कलर की मिलती थी 4G सिम, अब जो है ब्लू कलर की मिलती है 5G रेडी सिम। यानी कि जब अपग्रेड किया जाएगा इसको 2025 में 5G में, तो यही सिम आपको काम करेगा, आपको अलग से सिम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, स्किप मत करना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, पता नहीं लगेगा आपको कि क्या नेटवर्क कंडीशन है दिल्ली के अंदर। अलग अलग वेरियस लोकेशन में, मल्टीपल लोकेशन में विजिट किया हूँ अभी पिछले कुछ दिनों में, और मैं सारी जगह का आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, कि हम गरीबों को भी सपोर्ट करो। पीछे आप देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड, एक छोटे से रेंट पे मैं रहता हूँ, एक रूम में दिल्ली में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ। जिसको जो हेल्प चाहिए होती है वो मैं करता हूँ बेझिझक। कई यूट्यूबर तो बात करना भी पसंद नहीं करते, लेकिन मैं डायरेक्टली दोस्तों नंबर तक मेरा यूट्यूब पे है, और बात कर सकते हो मेरे से व्हाट्सअप पे, कॉल पे। कोई ज़रूरी आपको जानकारी चाहिए होती है तो मैं कॉल पे भी रिप्लाई कर देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, और सपोर्ट करें भाई को, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ BSNL का जो है, मैं कई भाई मेरे से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर अलग अलग लोकेशन में जाके चादरा में जाओ, या फिर मधुबन चौक जाओ, कश्मीरी गेट जाओ। तो अभी मैंने दो चार दिनों में मैं अलग अलग विजिट किया हूँ, क्योंकि मैं दोस्तों जहाँ जॉब करता हूँ, मेरी फील्ड है लॉजिस्टिक की, तो मैं अलग अलग लोकेशन पर जाता रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक बनाना चाहिए, नॉलेज बतानी चाहिए कि क्या जो है कंडीशन है नेटवर्क का BSNL का दिल्ली में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, दिल्ली में जो BSNL का नेटवर्क काम करता है वो डॉल्फिन पे काम करता है। यानी कि MTNL के नेटवर्क को BSNL ने टेक ओवर किया। अभी आपके नेटवर्क जो आ रहे होंगे फ़ोन में, इन डॉल्फिन लिखा हुआ आ रहा होगा, और BSNL मोबाइल भी लिखा हुआ आता है, इन डॉल्फिन BSNL मोबाइल, ये दोनों आता है। क्योंकि जो है सर्विस दे रहा है BSNL, नेटवर्क यूज़ कर रहा है MTNL का। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली और मुंबई में MTNL होते थे, लेकिन सर्विस सही से ना देने के कारण MTNL जो है ख़त्म हो गई। तो अब MTNL पे ही काम कर रहा है BSNL। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेटवर्क क्वालिटी की। जिस एरिया में मैं रहता हूँ, रोहिणी सेक्टर 16 नज़दीक पड़ता है मेरे, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ मैं। ज़िला मेरा उत्तर पश्चिम लगता है, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम लगता है। इस ज़िले में नेटवर्क चलता है, बढ़िया है। कई बार दिक्कत हो जाती है, मौसम अगर ख़राब है, ज़्यादा बारिश हो रही है, वो हो गया अंधेरा सा हो गया, तो इस समय BSNL दिक्कत करेगा आपको। जो सच बात है वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती BSNL की तारीफ़ करूँगा, नहीं जी, ठीक है। हाँ, कुछ टाइम में, आने वाले महीने 2 महीने में इसकी नेटवर्क कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि BSNL ने टाटा से टाई अप कर लिया है। आपने पीछे देखा ही होगा, मुहिम चल रही थी टाटा का BSNL, टाटा का BSNL। तो जो मुहिम चलाई जा रही थी वो सक्सेसफुल हुई काफ़ी हद तक। बहुत सारे कस्टमर जो है, जैसे ही प्राइवेट कंपनियों ने अपने रिचार्ज महंगे करे, सब ने छोड़ छोड़ के BSNL की तरफ स्विच किया। मैंने भी किया, अपनी फैमिली का, मेरा खुद का, दोनों नंबर मैंने BSNL में पोर्ट कर दिया, क्योंकि बहुत सस्ता है दोस्तों। दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में आपको जो प्लान मिलेगा कम से कम 199 का मिलेगा, 28 दिनों के लिए नहीं, पूरे एक महीने के लिए, 30 दिनों के लिए मिलेगा 2GB पर डे डेटा, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉल्स। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ। तो मैं जैसे कि अभी मैं बता रहा था, सेक्टर 16 के पास मैं रहता हूँ मैं दिल्ली में, यहाँ पर BSNL ठीक है। आप यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रशांत विहार एरिया पड़ता है, रोहिणी के पास में ही है, मधुबन चौक, पीतमपुरा, ये सारा आसपास का एरिया है, यहाँ पे बहुत बढ़िया नेटवर्क है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, GT के डिपो, GT करनाल रोड यानी कि बाईपास का एरिया है, वहाँ पे भी ठीक है। आज़ादपुर मैं गया पीछे कुछ दिनों में, आज़ादपुर गया मैं, कश्मीरी गेट गया, कमला मार्केट गया, और इस तरफ ये सारे एरिया तो सेंट्रल दिल्ली के हो गए। मेरा नॉर्थ वेस्ट था, बाईपास तक नॉर्थ वेस्ट है। इसके बाद आपको कश्मीरी गेट का एरिया, कमला मार्केट का एरिया, नई दिल्ली का एरिया, ये सारा हो गया सेंट्रल दिल्ली का एरिया। यहाँ पे नेटवर्क अच्छा है, मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है कि कमला मार्केट में कैसा है पूरा का पूरा। मैंने 4G की तरह ही चलता है अभी, BSNL का 3G जो है जहाँ पर फुल नेटवर्क आते हैं सपोर्ट करता है, तो वहाँ पर बहुत बढ़िया चलता है।
तो ये कई सारे बताए। अब मैं बात कर लेता हूँ एनसीआर में, तो एनसीआर में मैं मानेसर में भी ठीक ठाक चलता है। यहाँ मैं नोएडा, जहाँ से मैंने सिम पोर्ट भी कराया है, बात कर रहा था मैं नोएडा सेक्टर 10 में गया था। सेक्टर 19 में BSNL का ऑफिस है, नज़दीकी है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि तो सेक्टर कुछ ज़्यादा बड़ा, इतना बड़ा हाई फाई बहुत ज़्यादा रेंज में नहीं होता है। कोई भी एक सेक्टर है तो मान लो 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में ही होता है, उसके बाद सेक्टर चेंज हो जाते हैं। तो ये बात करी मैंने NCR में, मानेसर समझ रहे, मानेसर हरियाणा में पड़ता है, गुरुग्राम के आसपास, नोएडा UP में हो गया। दिल्ली का मैंने बताया आपको कई वेरियस लोकेशंस के, और जैसे जैसे और फ्यूचर में कई अगर मैं विजिट करता हूँ तो वहाँ बताऊँगा। रही बात नेट की, तो जब BSNL इन डॉल्फिन में जब 3G लिखा हुआ आएगा दोस्तों, और दोनों नेटवर्क कनेक्टेड रहेंगे, जैसे अप डाउन, अपलोड और डाउनलोड का जो एरो होता है वो कनेक्टेड रहेगा, 3G लिखा हुआ आएगा, तब उस समय आपका जो है बहुत बढ़िया चलेगा, बिल्कुल स्मूथ चलेगा। जो आज की डेट में जो 4G है वो 3G में ही चलता है। 3G में आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, 3G में आप विदाउट सफरिंग के जो है, विदाउट बफरिंग के जो डमरू घूमता है ना दोस्तों, विदाउट उसके स्मूथली आप अपना यूट्यूब चला सकते हैं, फेसबुक वीडियो प्ले कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बनाई हैं, जहाँ पे फुल नेटवर्क था कमला मार्केट दिल्ली का, उस एरिया में खड़े होकर के मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है 5-6-7 मिनट की, जिसमें सारे ऐप वगैरह मैंने चला करके दिखाए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ब्राउज़ करके, गूगल ब्राउज़ करके, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, तीसो, सारे कुछ ये कुछ ऐप्स वगैरह को चला करके मैंने दिखाया है जो नेट से चलते हैं, ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि सच में ही इसका नेटवर्क अच्छा है। मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने बताया भी इसकी कमी, कि अगर मौसम ज़्यादा ख़राब होता है तो BSNL थोड़ा दिक्कत भी करता है, नेटवर्क डाउन हो जाएंगे, 1-2 टावर आएंगे, फिर आपका कॉलिंग तो होगी लेकिन नेट नहीं चलेगा प्रॉपर ठीक से। तो समझ में आ रहा है, मैंने आपको जो अपना एक्सपीरियंस बता दिया पिछले 1 महीने का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसके बाद, अगर आप लेना चाहते हो उसके बाद भी आप BSNL लेना चाहते हो तो बिल्कुल लीजिए, क्योंकि आने वाले 2 महीने के अंदर, बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, 2 महीने के अंदर 4G पूरे देश में इसका जो है लॉन्च कर दिया जाएगा BSNL का, और उसके बाद इसका नेटवर्क अच्छा हो जाएगा। और फिर 2025 की बाद की बात है, जब 2025 में 5G वगैरह आएगा, तो फिलहाल तो दोस्तों इस समय पूरे देश में सभी लोगों के पास 5G मोबाइल नहीं है, 4G मोबाइल लोग यूज़ करते हैं, और ज़्यादा जनसंख्या में लोग दोस्तों कीपैड मोबाइल अभी भी यूज़ करते हैं गाँव में। तो मैं तो यही चाहूँगा कि दोस्तों अभी तो 4G ही काफ़ी है, 4G लॉन्च कर दिया जाए और उसका नेटवर्क अच्छा कर दिया जाए, ताकि सभी लोगों तक इसकी सुविधा पहुँचे और सस्ते में लोगों तक जो है BSNL की सर्विसेज पहुँचे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अनुभव मैंने अपना बता दिया है, इसके बाद आप चाहते हैं लेना तो लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता। लेकिन वीडियो को लाइक करने के लिए ज़रूर बोलूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी तरह के एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँ। जैसे जैसे मैं लाइफ में जो जो एक्सपीरियंस करता हूँ दुनिया में, वो चीज़ मैं वीडियो बना करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक अनदर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और टेक वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।